हाई एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक. दिस इज पूजा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजाइनर एंड लेटेस्ट स्कर्ट के पैटर्न्स के बारे में. जितने भी मैं आपको स्कर्ट्स बताऊंगी वो सबके सब डिजाइनर और लेटेस्ट होंगे. एंड मैं टोटल आपको 5 डिजाइन बताऊंगी स्कर्ट के. उन पांचों में एक या दो पैटर्न्स तो आपके पास होने ही चाहिए, आपके वार्डरोब में होने चाहिए, बिकॉज ये बहुत काम आते हैं और आप उनको कभी भी कैसे भी टीम अप कर सकते हैं, मिक्स मैच कर सकते हैं. एंड ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज जितने भी सारे मैं आपको स्कर्ट्स बताने वाली हूँ ये आपको कहीं दूसरे स्टोर में नहीं मिलेंगे. हो सकता है कि लगभग थोड़ा सा वैसा कुछ पैटर्न आपको मिल जाए, लेकिन आपको किसी ब्रांड में नहीं मिलेगा या फिर आपको किसी ऑनलाइन स्टोर में भी नहीं मिलेगा. इनको आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करवा सकते हैं, कस्टमाइज करवा सकते हैं अपने कलर चॉइस के अकॉर्डिंग, या फिर आपका जो भी फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज करवा सकते हैं, डिजाइन करवा सकते हैं अपने बुटीक से या अपने डिजाइनर स्टोर जाकर. आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे वैसा फैब्रिक लेकर इसको डिजाइन करवा सकते हैं. और जितने भी सारे मैं आपको स्कर्ट बताऊंगी मैं उनका पूरा डिटेल आपको बताऊंगी कि कितने फैब्रिक की जरूरत है, उनको आप कैसे किस ओकेजन में पहन सकते हैं, कैसे स्टाइल कर सकते हैं. तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक. और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो पहला स्कर्ट है वो है एक ब्लैक ग्लिटरी या शिमरी स्कर्ट बोल सकते हैं. मैं आपको ये पास से दिखाती हूँ. इस पे ग्लिटर, शिमर और पर्ल एंड थ्रेड की पूरी डिटेलिंग की हुई है. एंड ये अम्ब्रेला घेर इसका पैटर्न है एंड इसमें काफ़ी घेर है. तो ऐसे फैब्रिक आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे. एंड मैंने इसे फैब्रिक लेकर डिज़ाइन करवाया था और साथ ही इसमें मुझे टोटल 3.5 मीटर फैब्रिक लगा बिकॉज मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है, लगभग 5'1" के आसपास है. तो इसका विड्थ काफ़ी ज़्यादा था, मतलब 60 इंच के आसपास था, या 60 इंच ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा. तो 60 इंच का इसका विड्थ था. कई लोग इसको अरज भी बोलते हैं, कई सारे इसको पन्ना भी बोलते हैं. तो जब किसी फैब्रिक का विड्थ 60 इंच यानी 44 इंच से ज़्यादा होता है, 60 इंच तक अगर होता है, और अगर हाइट 5'1", 5' या फिर 5'2", 5'3" तक है, तो फिर 3.5 मीटर काफ़ी है. और अगर 5'4", 5'5" या उससे ज़्यादा हाइट है तो इस तरीके के फैब्रिक में, और अगर आपको अम्ब्रेला घेर बनवाना है तो फिर 5.5 मीटर तक फैब्रिक चाहिए होता है. अगर आपको नॉर्मल एक सफिशियंट घेर चाहिए, इसमें भी काफ़ी अच्छा घेर है. एंड ये ब्लैक कलर का है, काफ़ी खूबसूरत है. और इसको मैं अलग अलग तरीके से स्टाइल करती हूँ, बहुत सारे ब्लाउजेस के साथ मिक्स मैच करके पहनती हूँ, बट जो मेरा सबसे फेवरेट वाला पैटर्न है, जो मेरा फेवरेट वाला स्टाइल है, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी. स्कर्ट के साथ मैंने एक ब्लैक ऑफ शोल्डर ब्लाउज पेयरअप किया है, साथ ही मैंने एक शिफॉन का दुपट्टा लिया है. दुपट्टा भी काफ़ी हैवी है. ओवरऑल मेरा जो लुक है वो काफ़ी हैवी लग रहा है, इस वजह से मैंने ज्वेलरी बहुत ही कम रखा है. मैंने सिर्फ इयररिंग के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया है. ऐसे लुक्स परफेक्ट होते हैं किसी भी बड़े इवेंट के लिए, जैसे शादी, बारात या फिर रिसेप्शन के लिए परफेक्ट होंगे. तो दूसरा जो स्कर्ट का पैटर्न है वो भी बहुत अच्छा है. बेसिकली ये भी अम्ब्रेला घेर पे है, लेकिन इसका घेर काफ़ी ज़्यादा है, इसमें घेर बहुत ज़्यादा है. एंड ये टोटल 5.5 मीटर फैब्रिक में बना है. एंड इस स्कर्ट की खासियत ये है कि ये लिनन फैब्रिक में बना है. जनरली लिनन फैब्रिक का हम कुर्ती देखते हैं, साड़ी देखते हैं, बट स्कर्ट बहुत कम देखने को मिलता है. एंड इसके लिए मुझे अलग से मार्केट जाके फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी. ऑलरेडी एक लिनन की साड़ी रखी हुई थी जिसमें बहुत सुंदर सा जरी वीव किया हुआ है. एंड ये ऑफ वाइट और जो बेज कलर का कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद. एंड इसको मैं अलग अलग तरीके से स्टाइल करती हूँ, उसको लहंगे के जैसा भी पहन सकते हैं और क्रॉप टॉप के साथ भी पहन सकते हैं. तो फिलहाल जो मेरा फेवरेट वाला स्टाइल है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. इसे मैंने पेयरअप किया है एक ब्लैक ब्लाउज के साथ जो कि काफ़ी डिज़ाइनर है. एंड इसमें गोटे का वर्क किया हुआ है एंड मेरे स्कर्ट के साथ टोटली मैच हो रहा है. ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन हमेशा से अच्छा ही लगता है. इसके साथ मैंने दुपट्टा कैरी नहीं किया बिकॉज मुझे स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप का लुक चाहिए था. इस वजह से मैंने ज्वेलरी भी बहुत ही कम रखा, ओनली फिंगरिंग एंड इयररिंग के साथ मैंने अपने लुक को कम्प्लीट किया. ऐसे लुक्स परफेक्ट होते हैं बारात, संगीत या फिर रिसेप्शन के लिए या किसी भी बड़े बिग इवेंट के लिए. तीसरा जो स्कर्ट का पैटर्न है वो भी काफ़ी खूबसूरत है. ये काफ़ी नया पैटर्न है एंड ये एक असिमेट्रिक
डबल लेयर स्कर्ट है एंड ये काफ़ी अच्छा और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश स्कर्ट है। ये बना है शिमर जॉर्जेट फैब्रिक में, तो बेसिकली ऐसे फैब्रिक्स मार्केट में मिल जाएंगे एंड इसे डिज़ाइन किया गया है टोटल 5.5 मीटर फैब्रिक में। और इस तरीके के जो स्कर्ट होते हैं वो काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं, अलग अलग तरीक़ों से इनको स्टाइल किया जा सकता है। और ऐसे वाले फैब्रिक की खास बात ये होती है कि ये डाइबल फैब्रिक होते हैं, इनको आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर में डाई करवा के ऐसे पैटर्न्स आप बनवा सकते हैं। आई डोंट थिंक कि शिमर जॉर्जेट का कलर मिलता होगा, मैंने ज़्यादातर गोल्डन देखा है, कॉपर देखा है एंड वाइट शिमर जॉर्जेट देखा है। कलरफुल शिमर जॉर्जेट बहुत कम देखने को मिलता है एंड अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए शिमर जॉर्जेट में कुछ स्कर्ट डिज़ाइन करवाना है या कोई दूसरा पैटर्न शिमर जॉर्जेट फैब्रिक में आपको डिज़ाइन करवाना है, तो आप मार्केट से डाइबल फैब्रिक ले सकते हैं। आप जिस भी शॉप से अपना फैब्रिक लेते हैं वहाँ पे आप जाके बोलिए कि आपको वो शिमर जॉर्जेट फैब्रिक दिखाए। एंड ऐसे वाले जो फैब्रिक होते हैं वो अलग अलग रेट में अलग अलग शहर में मिलते हैं इंडिया में, तो वो आप देख सकते हैं। एंड मेरा जो फेवरेट वाला स्टाइल है वो मैं आपसे शेयर करूंगी, तो चलिए देखते हैं। इसके साथ मैंने एक ब्लैक श्रग और ब्लैक ट्यूब पेयरअप किया। श्रग मेरी किसी कुर्ती का है एंड इसे मैंने ऊपर से डाल लिया और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। श्रग के नेक के पास थ्रेड एम्ब्रॉयडरी की हुई है जिसकी वजह से काफ़ी हैवी लुक क्रिएट हो रहा है। इस वजह से मैंने इसके साथ कोई नेक पीस नहीं पहना एंड सिर्फ इयररिंग के साथ मैंने अपने लुक को कंप्लीट किया। ऐसे जो डबल लेयर स्कर्ट होते हैं वो कॉकटेल नाइट के लिए या फिर कुछ ऐसे इवेंट जहाँ पर आपको डांस करना है उसके लिए बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। तो 4 जो स्कर्ट का पैटर्न है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और इन दिनों बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो ये जो स्कर्ट है ये एक शिबोरी प्रिंट फैब्रिक में डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी सॉफ्ट सा फैब्रिक है एंड शिबोरी प्रिंट मेरे फेवरेट प्रिंट में से एक है एंड इसको मैं अलग अलग तरीकों से स्टाइल करती हूँ। और ये टोटल 5.5 मीटर फैब्रिक में बना है, तो इसका विड्थ 60 इंच था, इस वजह से 5.5 मीटर फैब्रिक में ये बन गया। तो ये डबल लेयर स्कर्ट है, सबसे जो नीचे वाला लेयर है उस पर पूरे घेर पे रफल्स ऐड किए गए हैं और जो फर्स्ट वाला लेयर है वो जिगजैग पैटर्न पे है। तो 60 इंच विथ एंड 5.5 मीटर फैब्रिक में ये पैटर्न मेरे हाइट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन हो गया। तो जिसकी भी हाइट 5'1" से लेके 5'3" के आसपास है वो 5.5 मीटर फैब्रिक लेकर इस तरीके का पैटर्न डिज़ाइन करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि शिबोरी प्रिंट हो, कोई दूसरा फैब्रिक भी आप देख सकते हैं 60 इंच विथ के साथ। और जिनकी हाइट 5'3" के ऊपर है उनके लिए मैं बोलूँगी कि एटलीस्ट 6.5 मीटर फैब्रिक आपको चाहिए होगा ऐसे पैटर्न के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक देखकर इस तरीके के पैटर्न डिज़ाइन करवा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो जो मेरा फेवरेट वाला स्टाइल है जो मैं इसके साथ कैरी करती हूँ वो ब्लाउज मुझे अभी मिल नहीं रहा है तो वो मैं आपसे नहीं शेयर कर पाऊँगी। जो दूसरा मेरा सेकेंड फेवरेट स्टाइल है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। इसे मैंने पेयरअप किया है एक वाइन रफल ब्लाउज के साथ। स्कर्ट में रफल्स है इस वजह से ब्लाउज भी मैंने रफल वाला लिया एंड ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसे मैंने एक स्टेटमेंट नेकपीस के साथ पहना एंड ओवरऑल एक कंप्लीट लुक क्रिएट हुआ, बहुत ही क्लासी और एलिगेंट लग रहा है एंड ऐसे लुक्स परफेक्ट होंगे किसी भी बिग इवेंट के लिए, बहुत ही खूबसूरत एंड कम्फर्टेबल है ये। तो 5th जो स्कर्ट का पैटर्न है वैसे ये लास्ट पैटर्न है और बहुत अच्छा पैटर्न है। तो 5th जो स्कर्ट का पैटर्न है वो काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। ये एक ग्रे कलर का स्कर्ट है एंड डबल लेयर स्कर्ट है। लास्ट वाला लेयर जो है वो अम्ब्रेला घेर पे है एंड जो फर्स्ट लेयर है वो असिमेट्रिक कट पे बना हुआ है एंड इसके एजेस पे छोटे छोटे रफल्स ऐड किए गए हैं एंड ओवरऑल नेट पे पूरे बूटे बने हुए हैं जिसकी वजह से काफ़ी हैवी लुक क्रिएट होता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्कर्ट है। टोटल इस पे 2 फैब्रिक यूज़ किए गए हैं। फर्स्ट वाला जो फैब्रिक है वो नेट एम्ब्रॉयडर्ड बूटे वाले फैब्रिक आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे अलग अलग कलर में, और अगर मान लीजिए वाइट नेट मिलता है तो आप उनको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर चाहिए है वो उसके अकॉर्डिंग आप डाई भी करवा सकते हैं। और जो सेकेंड वाला जो लेयर है ये मुडाल फैब्रिक इस पे यूज़ किया है हमने एंड बहुत सॉफ्ट सिल्क जैसा इसका टेक्सचर होता है, मुडाल सिल्क भी बोलते हैं कई जगह पे इसे
एंड इसके लिए अलग से हमने लाइनिंग इस पर यूज़ नहीं किया है बिकॉज जो सेकेंड वाला लेयर है ये लाइनिंग का भी काम कर रहा है और एक पैटर्न का भी काम कर रहा है। तो जब भी आप इस तरीके के ट्रांसपेरेंट फैब्रिक के साथ कुछ पैटर्न सोच रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि वो विजिबल हो और कुछ एक नया पैटर्न क्रिएट हो, तो आप लाइनिंग थोड़ी अच्छे क्वालिटी का लें सो दैट आपके लाइनिंग के भी पैसे बचे और एक नया पैटर्न भी क्रिएट हो सके। इसके साथ बहुत ज़्यादा हमने छेड़छाड़ नहीं किया है इस लुक के, इस स्कर्ट के लुक के लिए। बहुत ही सिंपल सा एक लुक है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर स्कर्ट का जो पैटर्न है वो काफ़ी स्टाइलिश है एंड डिज़ाइनर भी है एंड इस लुक के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मुझे कभी बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होना है और बस एक क्रॉप टॉप के साथ अपने लुक को कंप्लीट करना है किसी भी इवेंट के लिए, तो मैं ऐसे स्टाइल कैरी कर सकती हूँ। तो ये थे स्कर्ट के टोटल 5 डिजाइंस या 5 पैटर्न्स कह लीजिए एंड सारे के सारे डिजाइंस बहुत अच्छे हैं। आप इनको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करवा सकते हैं, कस्टमाइज करवा सकते हैं अपने कलर चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। और अगर स्कर्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए स्टाइलिंग और फैशन टिप्स के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।